चारे आप अपने पैरों की सांवली त्वचा को कैसे मुलायम, चमकीला और गोरा बना सकती हैं बहुत ही आसान और कारगर विधियों से। फ्रेंड्स, बहुत बुरा लगता है और बहुत शर्मिंदगी होती है जब पूरा शरीर सुंदर हो और पैर सांवला, खुरदुरा और भद्दा हो तो बहुत बुरा लगता है फ्रेंड्स। तो समय का उपयोग करते हुए हम इन विधियों को जान लेते हैं फ्रेंड्स। आज हम कुछ ऐसी विधियां बताएंगे जिसको करने से आपका पैर भी आपके शरीर जितना ही सुंदर हो जाएगा। तो पहली विधि है टमाटर। टमाटर को आधा काटकर निचोड़ लें और उसके रस को निकाल लें। फिर टमाटरों को पैरों में रगड़ें। आप चाहें तो इसके जूस को भी पैरों में लगा सकती हैं। 15 मिनट के बाद पैरों को गुलाब जल से धो दें। इस विधि को दोबारा 2 दिन के बाद करें। दूसरी विधि है फ्रेंड्स, आलू। आलू को छीलकर मिक्सी में पीस लें, फिर इसके पेस्ट को पैरों में मालिश करें और 15 मिनट के बाद पैरों को गुनगुने पानी से धो लें। इस विधि को 3 दिन के बाद फिर से करें फ्रेंड्स। तीसरी विधि है फ्रेंड्स, हल्दी और दूध का पेस्ट। हल्दी और दूध का पेस्ट पैरों में लगाएं और 20 मिनट के बाद गुनगुने पानी से धो दें। इससे आपके पैरों का कालापन निकल जाएगा और आपके पैर गोरे हो जाएंगे। चौथी विधि है फ्रेंड्स, नींबू का रस। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है जो कि ब्लीच जैसा काम करता है। अपने पैरों को नींबू के रस से 10 मिनट के लिए मसाज करें, फिर जब वह सूख जाए तब गुनगुने पानी में नमक डालकर पैरों को साफ कर लें। पांचवी विधि है फ्रेंड्स, शहद। पैरों में शहद लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी पैरों की समस्याओं को दूर कर देता है। छठी विधि है फ्रेंड्स, दही। पैरों पर ठंडी ठंडी दही लगाएं और सूरज से पैरों को बचाएं। पैरों में 15 मिनट के लिए दही को लगे रहने दें। फिर इस विधि को 3 दिनों के बाद दोबारा दोहराएं। ऐसा करने से आपके पैर जल्द ही गोरे बन जाएंगे। सातवीं विधि है फ्रेंड्स, पपीता। पपीते में प्राकृतिक ब्लीचिंग गुण होते हैं। इस फल के छोटे छोटे टुकड़े कर मिक्सी में पीस लें, फिर इसे पैरों में लगाकर छोड़ दें। जब यह सूख जाए तब इसे हल्के गुनगुने पानी से धो दें। आठवीं विधि है फ्रेंड्स, संतरे का छिलका और दूध। संतरे का छिलका बिल्कुल प्राकृतिक ब्लीच की तरह काम करता है और पैरों से गहरे धब्बे मिटाता है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है जिससे डेड स्किन निकल जाती है। साथ ही इस पैक से पैरों की रूखी त्वचा मुलायम और गोरी बनती है। संतरे का छिलका धूप में सुखा लें और फिर इसे मिक्सी में पीसकर पाउडर बनाकर रख लें। फिर इसमें 4 से 5 चम्मच दूध मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को पैरों पर लगाएं और 20 से 25 मिनट तक सूखने दें। उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से पैरों को धो दें। अब पैरों को तौलिए से पोंछकर उस पर कोई भी आयुर्वेदिक मॉइस्चराइजर लगा लें। बेस्ट रिजल्ट के लिए इसे हफ्ते में 3 बार करें और खूबसूरत गोरे पैर पाएं। नौवीं विधि है फ्रेंड्स, नींबू और शहद। नींबू में एसिडिक गुण होते हैं जो कि प्राकृतिक ब्लीच की तरह काम करते हैं। शहद से त्वचा को नमी मिलती है। 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिक्स कर लें, फिर इसमें 1/2 चम्मच मिल्क पाउडर भी मिला लें। इस पेस्ट को पैरों पर लगाएं और 20 मिनट तक सूखने के बाद हल्के गुनगुने पानी से धो दें। फ्रेंड्स, बाहर निकलने से पहले पैरों पर सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, इन सभी विधियों का प्रयोग आप नियमित करें, फिर देखें आपका पैर कैसे गोरा और मुलायम बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।